भारत और चीन रिश्तों में तनाव के बीच आज जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। सूत्र बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने सिक्किम सीमा पर डोकलाम इलाके को लेकर चल रहे विवाद पर भी चीनी राष्ट्रपति से बात की। इस बीच एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत भारत, चीन और भूटान के बीच डोकलाम के पास पहुंचे और वहां की हकीकत जानने की कोशिश की। विवाद के बाद पहली बार कोई न्यूज चैनल वहां पहुंचा है। चीन की दादागिरी की पोल खोलती ग्राउंड रिपोर्ट। भूटान की राजधानी थिम्पू से करीब 100 किलोमीटर दूर हाइलाका। हां तक क्यों पहुंचा है एबीपी न्यूज, ये जानने से पहले आपको बता दें कि चीन भूटान सीमा का ये आखिरी शहर है हा। इस वक्त हम भूटान के हा इलाके में हैं। हा इलाका आखिरी टाउन है भूटान और चीन की सीमा पर, और उसके आगे का इलाका जो है वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, यानी कि मिलिट्री एरिया है। हमें जो परमिशन दी गई है, परमिट मिली है भूटान सरकार से, वो सिर्फ और सिर्फ हा तक जाने की है। इसके आगे किसी सिविलियन को जाने की भी इजाजत नहीं है। हा भी एक प्रतिबंधित क्षेत्र है और यहाँ पहुँचने के लिए भी रॉयल भूटान गवर्नमेंट से परमिट लेनी पड़ती है। यहाँ से आगे पूरा मिलिट्री एरिया है और सिर्फ 80 किलोमीटर दूर है डोकलाम इलाका। पहली बार कोई न्यूज चैनल इस इलाके तक पहुंचा है, वो भी तब जब डोकलाम में तीनों ही देशों की सेना आमने सामने है। इससे आगे का जितना भी एरिया, ये पहाड़ी देख रहे हैं चारों तरफ क्लाउड्स, यहाँ पे बादल आए हुए छाए हुए हैं। इसके दूसरी तरफ ही तिब्बत और चीन का इलाका है और वो है डोलाम का इलाका, जो कि चीन और भूटान के बीच में विवादित इलाका है, और उसी में सड़क बनाने जा रही थी चीन की पीएलए सेना, जिसको भारतीय सेना ने जिसका विरोध किया। यहां से आगे भूटान और भारत के सैनिकों के अलावा किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। ये पूरा इलाका ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और पर्वतों का इलाका है। हां से आगे ना तो कोई पक्की सड़क जाती है और ना ही कोई गाड़ी जा सकती है। जा सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ घोड़े या फिर खच्चर से, और इससे आगे यानी कि हा इलाके के आगे जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ सैनिकों को ही इजाजत है। इसके आगे स्थानीय नागरिक भी नहीं जा सकते हैं। हा शहर के बाहर ही है रॉयल भूटान आर्मी का कैंप, जो कि टेमथांग में है, और यहां से आगे शुरू हो जाती है चीन और भूटान की सीमा। इस वक्त एबीपी न्यूज ठीक उसी रॉयल भूटान आर्मी के कैंप पर है यहाँ पर, और इससे आगे जाने की इजाजत किसी को नहीं है। यहाँ पर रॉयल भूटान आर्मी का एक चेक पोस्ट भी है। इसी हा शहर में भारत का इम्ट्राट सेंटर है, यानी इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम का सेंटर। इस इलाके में भारतीय सैनिकों के होने की वजह बताएं, उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर डोकलाम में ऐसा क्या है जिसने भारत और चीन के संबंधों में ऐसी तलखी ला दी जो पिछले 30 साल में नहीं आई थी। दरअसल डोकलाम, जिसे भूटान में डोलम कहते हैं, करीब 300 वर्ग किलोमीटर का इलाका है जो कि चीन की चुंबी वैली से सटा हुआ है। सिक्किम के नाथुला दर्रे के ये करीब ही है, इसीलिए इस इलाके को ट्राई जंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। ये डैगर यानी एक खंजर की तरह का भौगोलिक इलाका है जो भारत के चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरफ जाता है। चीन की चुंबी वैली का यहाँ आखिरी शहर है याटूंग। चीन इसी याटूंग शहर से लेकर विवादित डोकलाम इलाके तक सड़क बनाना चाहता है। इसी सड़क का भूटान ने विरोध जताया और फिर भारतीय सेना ने, भारतीय सैनिकों के इस इलाके में मौजूदगी से चीन हड़बड़ा गया है। चीन को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा कि जब विवाद चीन और भूटान के बीच है तो उसमें भारत सीधे तौर से दखल अंदाजी क्यों कर रहा है। 16 जून से ही भारत और चीन की सेना के बीच फेस ऑफ यानी गतिरोध जारी है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारतीय सेना भूटान की मदद क्यों कर रही है, तो इसकी तीन वजह है। पहली वजह, भारत भूटान के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा कायम रखने की संधि, क्योंकि भारत और भूटान की 2007 में संधि हुई थी कि दोनों एक दूसरे की राष्ट्रीय सुरक्षा में मदद करेंगे। अगर किसी की भी राष्ट्रीय सुरक्षा में कोई खतरा पैदा होगा तो दोनों देश एक दूसरे की मदद करेंगे, और इसी संधि के तहत 2007 की भारतीय सेना पहुंची उस विवादित इलाके में जहां पर चीन
कोशिश कर रहा है अपने पांव जमाने की। दूसरी वजह, सड़क के बहाने डोकलाम हड़पने की साजिश। भारत को इस बात का भी अंदेशा है कि अगर चीन ने इस इलाके में डोलाम इलाके में सड़क बना ली तो हो सकता है कि चीन आगे जाकर इस इलाके में अपना अधिकार जमा ले, जैसा कि उसकी फितरत रही है, जैसा कि उसने तिब्बत में किया, बफर स्टेट था उस पर कब्जा किया, और उसी तरह से बफर स्टेट अगर भूटान के इलाके में रोड बनाता है तो बफर स्टेट जो भारत और चीन के बीच में है भूटान, वो इलाका ख़त्म हो जाएगा, जो कि आने वाले दिनों में किसी भी तौर से मुश्किलात हो सकती हैं भारत और भारत की सेनाओं के लिए। तीसरी वजह, सड़क से भारत की सुरक्षा को खतरा। चीनी सेना यहाँ पर अगर कोई सड़क बना लेती है तो सामरिक तौर से भारत के लिए काफ़ी खतरा हो सकता है, भारत के चिकन नेक यानी कि सिलीगुड़ी इलाके को, और इसीलिए भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर इस इलाके में, डोलाम इलाके में जो चीन और भूटान का है, वहाँ पर रोड बनाने नहीं देगी। यही वजह है कि भूटान भारत के लिए अहम है, और इसी अहमियत की वजह से भूटान के सैनिकों को भारतीय सेना ट्रेनिंग देती है। भारत और भूटान के सैन्य संबंध कितने मजबूत हैं, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। पहली तस्वीर सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत की है, जिन्होंने पद संभालने के बाद सबसे पहली विदेश यात्रा भूटान की ही की थी, और दूसरी तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी की भूटान यात्रा की है। पीएम बनने के बाद मोदी भी सबसे पहले भूटान ही गए थे। भारत के इस ट्रेनिंग सेंटर इम्प्राड से भी चीन को खासी दिक्कत है। चीन का आरोप है कि भारतीय सैनिक ट्रेनिंग की आड़ में चीन भूटान सीमा की पेट्रोलिंग करते हैं, लेकिन ये आरोप हमेशा से भारत नकारता आया है। लेकिन 16 जून को जब चीनी सैनिक भूटान चीन के विवादित इलाके डोलम में सड़क बनाने के लिए पहुंचे तो भारतीय सैनिक भी भूटान की सेना की मदद करने के लिए वहां पर पहुंच गए, और फिर भारत और भूटान के सैनिकों ने मिलकर चीन की सेना को सड़क बनाने से रोक दिया। भारतीय फौज भूटान की मदद संधि के तहत करती है, लेकिन चीन भारत के साथ भूटान को भी धोखा देना चाहता है। चीन को रोककर भारत ने इरादे जता दिए हैं कि जिस सड़क के जरिए चीन भारत की तरफ कदम बढ़ाना चाहता है, उस चाल में वो कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। भूटान के हा शहर से कैमरामैन अजी चाको के साथ नीरज राजपूत की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।